में आने चाहिए, ये 7 बजे सुबह दुकान खोलते हैं, 10:30 बजे DC आता है, तब लोग एक्टिवेट हो जाते हैं कि इनको रोकना है। सारा मार्केट खोल दिया है इन्होंने, सारी भीड़ उमड़ आएगी, फिर एक भी नहीं हमारी चलेगी। सो मेरी डायरेक्शन ये है कि कल से बिल्कुल सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक को भी हिंदी नहीं। प्लीज़ इसकी सारी डिपॉइंटमेंट कर लिए, मैं SSP साहब को मिलूँगा। हर दुकान के सामने एक एक जो है बंदा आप जवान रखेंगे, और हमारे पार्टी हमारी पार्टी इनका जरूर सकते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो विदाउट परेशानी जो है अपना काम कर रहे हैं। ये बाजार का काम नहीं कर रहा, आज हम उनको लास्ट वार्निंग दे करके बुलाएंगे। अगर जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार उनको जो है वार्निंग दी है, और एडवाइजरी हमने जो इशू करी है, हमने बहुत समझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन तब भी कुछ लोग जो है वायलेशन कर रहे हैं। इस हवाले से हमने बड़ा सीरियस नोट लिया हुआ है। मैं एक बार फिर ऐसे लोगों के जो है उनको एडवाइज़ करता हूँ कि वो लॉकडाउन पर अमल करे और किसी किस्म की कोई वायलेशन ना करे। नो डाउट कि आने वाले दिनों में ईद की वजह से लोग जो है बाज़ारों में घूम रहे हैं, हमने उनको भी बार बार जो है वो निश्चित करी है कि वो अननेसेसरी ना घूमें, और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज के केस में या एसेंशियल कॉमोडिटीज़ के केस में हमने कुछ परमिशंस दी हैं। उन परमिशंस के अलावा जो भी लोग हमें मार्केट में मिलेंगे या जो भी मास्क लगाने के बगैर मिलेंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि जुर्माना भी होगा। हमने बहुत सारे दुकानदार हजरात को जो है उनकी दुकानें सील करी है। तो लेकिन इस हवाले से हमने अब फैसला किया है कि जो भी आगे हमें जो है कोई भी वायलेशन नज़र आएगी किसी फर्द के ज़रिए से या किसी दुकानदार के ज़रिए से या किसी गाड़ी वगैरह के ज़रिए से, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ नए केसेस आ गए हैं। नो डाउट कुछ केसेस हमारे काफ़ी जो है 47 केसेस रिकवर हो गए हैं, क्योंकि ये नए केसेस आने का मतलब ही है कि अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा है, लोग इसको लाइटली ना ले। मेरी उनको अपील होगी और ये गुजारिश होगी कि आगे आने वाली जो ईद है वो सादगी के साथ मनाने का पहले ही उलमा हजरात ने भी फैसला किया है। मैं भी उनको अपील करता हूँ कि इसमें ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ईद के हवाले से जो भी चीज़ उनकी ज़रूरत होगी, एसेंशियल कमोडिटीज़ होंगी या कोई और चीज़ ज़रूरत होगी, वो लोगों को घर तक पहुंच जाएगी। इसके हवाले से दुकानदार हजरात को भी ये अपील है कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें, अगर उन्होंने कॉपरेट नहीं किया फिर हमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए इसके लिए हमने पहले ही चेकिंग टीम मैंने बनाई हुई है। कुछ उनका इशू है कि उनको बाहर पीछे से ही जो है सप्लाईज़ जो है वो उसमें महंगा मिल रहा है, लेकिन वो भी हम एक कंट्रोल्ड तरीके पे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो होलसेलर्स हैं उनके साथ बात करके, रिटेलर्स के साथ बात करके, और जो हायर प्राइस पे महंगे दामों पे जो सब्ज़ी बेचते हैं या कोई और चीज़ बेचते हैं वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी हमें कोई वायलेशन मिलती है उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई।